الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और तमाम मलाइका को आपकी इक्तिदा में खड़ा करके ये वाज़े फरमा दिया कि आप तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इमाम हैं, तमाम फरिश्तों के इमाम हैं। और इमाम वही होता है जिसकी इक्तिदा की जाए, लिहाजा आप खातमुन नबीयीन हैं। अब क़यामत तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे, जिन्नात होंगे, वो सब के सब आपके उम्मती कहलाएंगे और आपकी ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना उनके लिए ज़रूरी होगा। यहाँ तक के करीब ज़माने में ही दज्जाल का फितना नमूदार होने वाला है और उसके ख़ात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दुनिया में दोबारा नाजिल फरमाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और आपका यहाँ पर रहना वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा तक और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए और फिर एक मकाम ऐसा आया कि जिस जगह जिब्राइल अमीन रुक गए और कहा कि ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे अब आपको अकेले ही सफ़र करना है और यहाँ से आगे आज तक मैं भी नहीं बड़ा हूँ। उस मकाम को सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी को कहा जाता है और आसमानों के ऊपर जो सिदरा मकाम है उस मकाम को मुंतहा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आसमान की तरफ जो चीज़ें ऊपर जाती हैं उनकी इंतहा सिदरा है और फरिश्तों की इंतहा भी यहीं तक है। लिहाजा सिदरा पर जाकर सब इंतहा, सब वहाँ रुक जाते हैं, सब अहकामात, सब आमाल, सब चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं। आसमानों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उस मकाम तक अहकामात आते हैं। अल्लाह ताला जो चीज़ें भी नाजिल फरमाना चाहते हैं वो उस सिदरत के मकाम तक आती है और फिर वहाँ हयत बदल कर मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया में अल्लाह उसको नाजिल फरमा देते हैं।
तो गोया के सिदरतुल मुंतहा एक संगे मेल है, एक बॉर्डर है कि जहाँ से फरिश्ते जिब्राइल अमीन जैसे फरिश्ते भी आज तक आगे नहीं गए हैं, और उससे आगे अर्श है, और अल्लाह कैसे हैं, अल्लाह की ज़ात कैसी है। कुरान पाक में सिर्फ यूँ बतला दिया गया, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये अल्लाह हैं। और अल्लाह की अगर तारीफ़ सुनना चाहते हो, जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से यहूद व नसारा की तरफ से ऐसी बातें की गई कि जिस अल्लाह का तुम तस्करा करते हो वो कौन है, कैसा है, तो फिर अल्लाह ने उसका जवाब यूं अता फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल कमर बिहुस्बान वन नजमु वश्शजर यस्जुदान वस्समा रफअहा ववदअल मीज़ान। सूरतुर रहमान, ये अल्लाह की हम्द व सना में अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या करता है, अल्लाह के ने क्या क्या किया है, वो सब अल्लाह ने इसके अंदर बयान फरमा दिया। तो सिदरतुल मुंतहा, वहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा संगे मेल है जहाँ पर अर्श की तरफ से अनवारात का नुजूल होता है, जो सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुकता है, और फिर वहाँ से फरिश्तों की ड्यूटियाँ हैं, मुख्तलिफ अहकामात मुख्तलिफ चीज़ें फरिश्तों के ज़िम्मे लगाई जाती हैं, और वो फिर आसमानों की तरफ और ज़मीन की तरफ लेकर आते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ पर मैंने चार नहरें देखी। कितनी नहरें? चार नहरें जो सिदरा से निकल रही थी। जिब्राइल अमीन से पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी यूँ वजाहत फरमाई कि उनमें से दो नहरों का ताल्लुक़ तो जन्नत के साथ है, कौसर और सलसबील, जन्नत की नहरों का नाम है। और क़यामत के दिन जब जन्नतियों को जन्नत की बशारतें मिलेंगी, जब जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, तो उससे पहले एक जाम पेश किया जाएगा, एक जाम पिलाया जाएगा, ये इस बात की अलामत होगा कि ये जन्नती है, और वो पिलाने वाले साकी कोसर शाफ़ी महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि आप ख़ुद जाम जो है वो पेश करेंगे, और वो जिस जगह से जाम को पेश करेंगे उसके हौज़े कोसर कहा जाता है, और उस हौज़े कोसर में जो पानी आ रहा है, फरमाया कि वो सिदरतुल मुंतहा से जो नहर चल रही है, उस नहर में जो कोसर है, नहर है, उसका पानी परनाले के ज़रिए उस हौज़े कोसर में आ रहा होगा, और वहाँ से जन्नतियों को पानी पिलाया जा रहा होगा। और दूसरी दो नहरों के बारे में आपने यूँ फरमाया कि उनका ताल्लुक दरियाए नील और दरियाए फुरात के साथ है। जिस तरह जन्नत की तमाम चीज़ों के असरात और वहाँ की आसमान और अर्श की नेमतों के असरात दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर डाले गए हैं, इसी तरह वहाँ सिदरा से निकलने वाली दो नहरें, उनका ताल्लुक और उनके असरात दरियाए नील और फुरात के अंदर भी डाले गए हैं। सिदरा चूंकि बेरी को कहा जाता है, इसी वजह से यूं फरमाया गया कि जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर उसको उस पानी से गुसल दो जिसको बेरी के पत्तों के साथ जोश दिया गया हो। चूंकि सिदरा बेरी को कहा जाता है, और अब इंसान की रूह कब्ज़ होने के बाद अब दुनिया से इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, अब इंतहा की तरफ जाना है, और वो अल्लाह की मुलाकात है, जन्नत है, और उस तरफ जाने के लिए उसी पानी के साथ इसको दिलाया जाए, धुलाया जाए, जिसका ताल्लुक सिदरतुल मुंतहा के साथ है। तो इसीलिए हुक्म है कि बेरी के पत्ते पानी में डालकर उसको जोश देकर फिर उस पानी से जो है
वो रुख्सत करने दुनिया से रुख्सत होने वाले को गुसल दिया जाए ताकि इस पर वहाँ के असरात अभी से आना शुरू हो जाएं, और सिदरा की तरफ इसका रुजू चूँकि हो रहा है, आखरत की तरफ अब इसका सफ़र चल पड़ा है, लिहाजा वहाँ की चीज़ें इस पर डाल दी जाएँ और इसको उसी के साथ यहाँ से रवाना किया जाए, वरना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बदन के मैल को साफ़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, मुख्तलिफ़ पत्ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो बदन के मैल को उतारने के लिए साबुन के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। उसके बावजूद भी बेरी के पत्तों का हुक्म आया और उसका तरीका बतलाया गया, तो उसकी कोई ख़ास वजह है, तो उसकी वजह यही है। तो इसलिए बेरी के पत्ते जो है वो जो है उसमें पानी में डालकर उसको जोश दिया जाए, फिर उस पानी से जो है उसको के मैल को दूर किया जाए, उस पर उसको डालकर नहलाया जाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने बतला दिया कि ये सिदरतुल मुंतहा है, अब यहाँ से आगे आपका सफ़र है, आपको आगे जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उस मुलाकात का जिक्र फरमाया सूरतुन नजम में, वन नजम इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى। अल्लाह ने करीब कर लिया, इतना करीब, قاب قوسين أو أدنى, जैसे कमान के दोनों किनारे आपस में मिल जाते हैं, अल्लाह ने ऐसे अल्लाह अपने महबूब को अपने से मिला लिया। मा ज़ागल बसरु व मा तगा, इज ये है इज यक्षा सिदरत मा यक्षा, ढांप लिया गया, ऐसा ढांप लिया कि अब अल्लाह के दीदार हो रहा है और कोई बीच में चीज हायल नहीं है। और अल्लाह फरमा रहे मा ज़ागल बसरु व मा तगा, मेरा महबूब इतना पाकीज़ा है, ऐसा सादिक अमीन है, ऐसा अमानत वाला है, वहाँ पर जब मुझसे मुलाकात के लिए आता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा, आँख भी इधर उधर नहीं भटकी उसकी, आँख भी इधर उधर नहीं भटकी। इस बात को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, दुनिया के अंदर लैला मजनू के किस्से हैं, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो है वो महबूब और महबूबाओं के किस्से मशहूर हैं। किसी ने नहर खोद दी अपने इश्क के अंदर मुब्तला होकर, किसी ने क्या कारनामा किया, किसी ने ताजमहल बनाया, मुख्तलिफ कारनामे हमें नज़र आते हैं। ये मोहब्बत की दास्तानें लोगों को सुनाई जाती हैं और कहा जाता है कि इस तरह मोहब्बत होती है कि मजनू का नाम तो इमराउल कैस था, उसका नाम तो मजनू पड़ा इसलिए था कि उससे जो भी बात की जाती कहता लैला, जो भी बात करते कहते लैला। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा इमराउल कैस से कि भई मैंने जो है मुआविया से सुलह कर ली और मैंने भी मुआविया के हाथ पर बैत कर ली है, तू बतला मैंने सही किया, तेरी क्या राय है। कहने लगा आपने मुआविया के हाथ में खिलाफत दे दी, खिलाफत तो लैला को जचती है, खिलाफत तो लैला को जचती है। तो हसन रज़ी अल्लाह तआला ने मुस्कुराए और कहने लगे अंता मजनून, तू तो मजनून है, तू तो मजनून है, उसका नाम ही फिर मजनून पड़ गया तारीख के अंदर। जब इंसान किसी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो दीवाना हो जाता है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कहता है कि ये वहाँ से हवाएं आ रही हैं, मुझे इससे भी इश्क है, वहाँ की मिट्टी से भी इश्क है, वहाँ के कुत्तों से भी इश्क है, वहाँ की चरने वाली तमाम जानवरों से भी इश्क है, हर चीज़ से वहाँ की इश्क हो जाता है। और इश्क का एक वाकया एक किताबों के अंदर आता है। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा में एक नेक आदमी ने दुकान से खाना लेते हुए जब उस दुकानदार ने दही दी तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया मदीना का दही तो खट्टा है, नाऊज़ बिल्ला, उसकी ज़ुबान से अनजाने में ये जुमला निकल गया। रात को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, कहा कि तुझे मेरे शहर का दही खट्टा लगता है, निकल जा मेरे शहर से। इतना भी गवारा नहीं किया कि अगर मोहब्बत करती हो तो हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए,
हमने अपने अकाबरीन के वाकयात पढ़े सुने, हमारे उस्ताज़ा बताया करते थे कि हमारे अकाबरीन के अजीब अजीब वाकयात। एक बुज़ुर्ग का वाकया कि एक शख्स ने कोई चप्पल या कोई लकड़ी का गट्ठा वो लाकर बुज़ुर्ग की यह खिदमत में पेश किया और कहा कि यह मदीना का है, तो उन्होंने उसको लिया, अपने सर पर रखा, उसको चूमा, उसको रखा और उसके बदले उसको हदिया दिया। उसके जाने के बाद किसी ने कहा कि हजरत ये मदीने का तो नहीं, ये बंदा तो कभी मदीना गया भी नहीं है, ये तो फलां शहर इंडिया के फलां शहर का बना हुआ है। कहा कि उस आने वाले ने कहा कि ये मदीना का है, तो एक लम्हे के लिए इस चीज़ की निस्बत मदीना से जुड़ गई, तो मैं क्यों ना इसको अपने सर पर रख लूँ, क्यों ना इसका एहतराम करूँ। मदीना से जुड़ी हुई चीज़ों का एहतराम इस तरह किया जाता है, अदब इस तरह किया जाता है। हाय मुसलमान, आज के दौर का मुसलमान कहता है कि सुन्नत ही तो है, सर क्यों ढकें, सुन्नत तो है। अरे सुन्नत है इसलिए तो ढकना है, टखने क्यों खाली करें, सुन्नत है। हम उसको ऊपर कपड़ा लटकाएंगे इसलिए कि ये मकरूह हो रहा है, हैं? मकरूह है उसको ऊपर कर लेना नमाज के दौरान, लिहाजा हम कराहत वाला अमल नहीं करेंगे लेकिन इश्क का मुजाहिरा नहीं करेंगे कि सुन्नत पर अमल कर ले। हम ये काम क्यों कर ले, सुन्नत ही तो है। जुम्मे की नमाज दो रकात फर्द है, उसके बाद चार सुन्नत है, फिर दो सुन्नत है, लेकिन हम देख लें 50-60% तबका ऐसा है जो नमाज पढ़ते ही फौरन निकल जाएगा। क्या इमरजेंसी है, क्या बाहर सवारी खड़ी है, कहीं ऑफिस जाना है, किस चीज़ की जल्दी है, बस बाहर खड़े होकर फ्रूट खरीदना है, गप्पे लगानी है और जाकर वक्त पास करना है। मस्जिद के अंदर दिल लग नहीं रहा है, दिल लगता नहीं है, दिल अटकता नहीं है, तो बताओ तो सही कि आज दुनिया के अंदर रहते हुए मस्जिदों में तुम्हारा दिल नहीं अटक रहा, मस्जिद में नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, सुन्नत को अदा करने को दिल नहीं कर रहा, तो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे, क्या चेहरा लेकर जाओगे, क्या कहोगे कि हम आपके सुन्नत छोड़कर आपसे हौज़े कौसर पर जाम पीने के लिए आए हैं, हम आपकी शफाअत लेने के लिए आए हैं और दुनिया के अंदर हमें आपकी सुन्नत से कोई सरोकार नहीं था, क्या ये कहोगे जाकर। इसलिए आज ही हमें मौका है, मोहलत है, हम सुन्नतों से अपनी मोहब्बत को जाहिर करें और अपने ऊपर सुन्नतों को लेकर आए, अपना हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। यही असल है, यही असल है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब किया, फाउहा इला अब्दिही मा औहा, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब कोई किसी से मुलाकात करता है तो तोहफे तहाइफ भी लेन देन किया जाता है, शादियों में जाते हैं कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, लिफाफा ले जाते हैं, किसी मरीज की आयत के लिए जाते हैं, कुछ फल ले जाते हैं, कुछ उसके लिए खुराक का सामान ले जाते हैं। वैसे ही मिलने के लिए मुलाकात के लिए चले जाएं तो मिठाई ले जाते हैं, कोई ना कोई चीज़, अगर लेकर ना गए हों, भूल गए हों, तो आते हुए बच्चों के हाथ पर कुछ ना कुछ रख देते हैं ताकि हमारी तरफ से हदिया, शुक्राना, तोहफा कुछ हो जाए। हालांकि ना वो हाजतमंद है, वो भी अमीर कबीर आदमी है, उसको भी आपकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये अमल किया जाता है। लेकिन आम तौर पर देखने में ये आया है कि ये अमल हम रस्म रिवाज के तौर पर करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि ये हमारे ख़ानदान में एक सिलसिला चला आ रहा है, हमारे कल्चर का यह हिस्सा है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहादु तहाब्बु, एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे आपस की मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो हदिया देना सुन्नत है, हर वक्त दिया जा सकता है, रोज़ाना मुलाकात के वक्त दिया जा सकता है। और ये सुन्नत क्यों है, इसलिए कि जब अल्लाह की मुलाकात के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो आपने वहाँ पर जाकर हदिया पेश किया, फरमाया कि दुनिया की जो चीज़ें हैं वो तो सब फ़ानी हैं, मैं क्या लेकर आता, आप तो ख़जानों के मालिक हैं, आप तो कायनात के खालिक और मालिक हैं, सारे ख़जाने आपके हैं, मैं आपके लिए दुनिया से क्या लेकर आता, बस मेरी आजिज़ी ये है, मैं वो लेकर आया हूँ जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ है, जिसकी वजह से आप मेरी उम्मतियों को मेराज अता फरमाएंगे। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, फरमाए कि नमाज पढ़ा करो कि नमाज के जरिए ही ईमान वालों को मेराज नसीब होगी, इसी से बुलंदी अल्लाह ताला फरमाएंगे। फरमाए अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी कौली इबादतें अल्लाह आपके लिए हदिया है, वस्सलावात वत्तय्यिबात, मेरी वस्सलावात मेरी बदनी इबादतें अल्लाह आपके लिए है, वत्तय्यिबात अल्लाह मेरी माली इबादत है वो भी आपके लिए है, मैं हदिया लेकर आया हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, उसके बावजूद भी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रातों को उठ जाया करते और अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ा करते, और आपकी नमाज के अंदर रोने की आवाज़ ऐसी हुआ करती थी, आपके सीने से ऐसी आवाज़ आ रही होती थी जैसे कोई हांडी के उबलने की आवाज़ होती है, और आपकी आंखों से आंसू जारी होते थे। यही नमाजें थी, यही तोहफे थे जो अल्लाह के हुजूर आपने पेश किए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह को जब तोहफा पेश किया, अल्लाह ने फरमाया महबूब हम भी तुझे तोहफा पेश करेंगे, हम भी तुझे तोहफा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। फरमाया कि ऐ मेरे महबूब तुझ पर सलामतियाँ ही सलामतियाँ हो, मेरी रहमत ही रहमतें हो। सलाम पेश किया, तोहफा पेश किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ख्याल आया, जैसे दुनिया के अंदर रहते हुए नमाजें पढ़ते हुए दुआएं करते हुए आपको ख्याल आता था उम्मती उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ़ फरमा दे, शराबियों को भी माफ़ फरमा दे, डानियों डाकुओं को भी माफ़ फरमा दे, जानियों को भी माफ़ फरमा दे, अल्लाह सब गुनाहगारों को माफ़ फरमा दे। यहाँ पर भी अपनी उम्मत को याद रखते, वहाँ पर भी ख्याल आया अल्लाह आपकी मुलाकात के लिए तो आ गया, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह की तरफ से फ़ौरन कहा गया मेरे महबूब तू परेशान ना हो, तेरे दिल के हाल को मैं जानता हूँ, तुझे जिसकी फिक्र है मैं उसको भी शामिल करता हूँ। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, ये तेरी उम्मत के नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती ही सलामती हो हमारी तरफ से। ये मंजर बड़ा अजीब है, और ये आवाजें उधर सिदरतुल मुंतहा पर खड़े जिब्राइल अमीन भी सुन रहे हैं। मुहक्किकीन फरमाते हैं वहीं से वो पुकार उठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। तो वो सारे तोहफे तहाइफ को, उस कलाम को अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हिस्सा बनाया। फरमाया कि क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों तुम परेशान ना हो, हमने जो तोहफे तहाइफ का लेन देन किया उसमें तुम्हें भी शामिल कर लिया। अगर तुम भी अल्लाह की तरफ मेराज चाहते हो, मेरी आंखों की ठंडक तुम चाहते हो, मेरी आंखों को खुश करना चाहते हो, मेरी शफात चाहते हो, तो फिर नमाज पढ़ा करो, और नमाज में उन्हीं कलमात को तुम दोहराया करो जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के दरमियान हम कलामी हुई, तोहफे तहाइफ का लेन देन हुआ। तोहफे तहाइफ थे, यह आपस में मुलाकात के वक्त तबादला हुआ, नमाज का हिस्सा बना दिया गया। अब इस तोहफे तहाइफ के अंदर, इस तबादले ख्याल के अंदर न कहीं हाजिर नाजिर का मसला है, न ही कहीं अल्लाह के महबूब सल्लम के वजूद का मसला है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज जो है बहुत सारी बातें जो है जोड़ दी जाती है, भाई देखो यहाँ पर भी तो हम कह रहे हैं अय्युहन नबीयु, लिहाजा नबी तो हाजिर है हर जगह, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अम्बिया दुनिया से रुख्सत होने के बाद भी जिंदा होते हैं, अपनी कब्रों में हयात हैं, ये हमारा अकीदा है। लेकिन जो जहाँ है वहीं पर हयात है, उनको रिस्क अल्लाह देते हैं, उनको खिला पिलाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, जिस तरह माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक रिस्क पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम सुहला सुलहा उलामा शुहदा ये हयात हुआ करते हैं, जिनके अजसाद बाकी होते हैं, जिनको कुरान ने हदीस ने बतला दिया ये हयात हैं, जिंदा हैं, उनको कैसे रिस्क मिलता है, ये अल्लाह अता फरमाते हैं, जिस तरह माँ के पेट में अल्लाह अता फरमाते हैं। तो हम क्यों भूल जाते हैं इन बातों को, क्यों हम दलाइल देना शुरू कर देते हैं, क्यों हम बातों में आकर इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए, अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, जो सुन्नत वाला अमल है उसको इख्तियार कीजिए, और अगर आपस की मोहब्बतें चाहते हैं, आज दुआएँ करते हैं अल्लाह आपस में मोहब्बतें अता फरमा दे, मोहब्बतें अता हो जाएंगी दुआओं के ज़रिए भी, लेकिन एक अमल भी करना पड़ेगा, और वह तोहफे तहाइफ हैं। आम तौर पर मुलाकात के वक्त सबसे बेहतरीन तोहफा है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम को आम कीजिए, यह ना देखिए अपना है पराया है छोटा है बड़ा है कौन है क्या है, सलाम कीजिए। और सलाम सुनने वाले के लिए वाजिब है,
कि वो सलाम सुनने के बाद सलाम करने वाले को जवाब दे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम सुनने के बावजूद भी अगर कोई जवाब ना दे, अपने दिल का हसद बुगुस कीना उसको रोके रखे, अपना इनाद उसको रोके रखे कि मुझे जवाब नहीं देना, इससे तो मेरी दुश्मनी चल रही है, ये तो मेरा मुखालिफ है, तो याद रखो कल क़ियामत के दिन अल्लाह को फिर जवाब देना होगा क्यों जवाब नहीं दिया था। सलाम करने वाले ने अपनी सुन्नत अदा कर दी, अपना हक अदा कर दिया, अब सुनने वाले पर है कि वो जवाब अदा करे। इसलिए तोहफे तहाइफ अगर देने हैं, सबसे पहला तोहफा सलाम को आम करके दिलों को खुश कीजिए, एक दूसरे को दुआएं दीजिए और उससे आगे बढ़िए। अल्लाह ने माल अता किया है, अपने पास खुशबुएं रखें, मिसवाक का तोहफा रखें, नेक लोग हों तो उनको हम ये चीज़ें अता करें, अगर कुछ भी जेब में नहीं है, पैसे तो हैं, कुछ पैसे ही हदिया कर दें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इमाम साहब को हदिया देना है, आपस में भी दिए जा सकते हैं। हाँ, अगर इमाम कह दे कि उलमा को हदिया दें तो कहेंगे देखा अपने लिए भी रास्ता खोल रहे हैं हदियों का, अपने लिए भी मांग रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो भाई क्या हो गया। कुरान पाक में दवाज़े फरमा दिया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की एक ही दावत थी, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं अपने काम पर, मैं अपनी दावत पर, मैं अपनी इस मेहनत पर आपसे कोई मुआवजे का तलबगार नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों से यही कहा और यही क़यामत तक आने वाले उलमा सुलहा का कौल है, हमें अपनी मेहनतों पर मुआवजा नहीं चाहिए, अल्लाह बेहतर है मुआवजा देने वाला, अल्लाह बेहतर है हदिया तोहफा देने वाला, अल्लाह बेहतरीन है हर एतबार से। हाँ, आपस की मोहब्बत अगर चाहते हैं तो आपस में लेन देन करें, चाहे कमतर चीज़ क्यों ना हो बज़ाहिर, उसको कम ना समझें, और जिसको हदिया मिले वो हदिये को कम ना समझे। ये अल्लाह के महबूब सल्लम की सुन्नत अदा हो रही है और सुन्नत को सुन्नत समझ कर लेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह इस पर भी अजर भी अता फरमाएंगे। आज हमारे यहाँ सदका खैरात करने का रिवाज है कि सदका खैरात करें, हदिया देने का रिवाज कम हो गया है, और हकीकत यह है सदक़े से बलाएं टलती हैं, सदक़े से बलाएं टलती हैं, सदका आसमानों पर जाता है, आई हुई बलाओं को टालता है, यह हकीकत है, हदीस मुबारका का मफहूम है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दूसरे को सलामती देना ये तोहफा है, हदिया है, दूसरे को खाना पेश करना तोहफा है, हदिया है, दूसरे को लिबास पेश करना हदिया तोहफा है, इसी तरह पैसे पेश करना हदिया तोहफा है, कोई पसंद की चीज़ है दूसरे को अपनी पसंद की चीज़ पेश करना हदिया तोहफा है, दूसरे की पसंद को लाकर उसको पसंद उसकी पेश करना हदिया तोहफा है। और हदिया तोहफा के बारे में आता है, जब मुसलमान आपस में एक दूसरे को हदिया तोहफा देते हैं, अल्लाह आपस में मोहब्बत अता फरमाते हैं और अपनी रहमतें नादिल फरमाते हैं। जब अल्लाह की रहमतें होंगी तो परेशानियाँ रहेंगी नहीं रहेंगी, आपस के इख्तलाफ रहेंगे नहीं रहेंगे, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। आज सदका खैरात करते हैं, अल्लाह बलाएं टाल दे, उससे आसान रास्ता है हदिया तोहफा दे, ताकि उससे अल्लाह की रहमतें आएं, और रहमतें आएंगी तो बलाएं खुद ही टल जाएंगी, रहमतें आएंगी तो मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे, और उससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि दिलों के अंदर मोहब्बत आएगी। और जब मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ मुलाकात करते हैं तो अल्लाह हर मुलाकात पर उन दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो गोया के हदिया तोहफा देने से बड़े फायदे हैं, मोहब्बतें भी आएंगी, रहमतें भी आएंगी, गुनाह भी माफ होंगे, बलाएं तो खुद ब खुद ही टल जाएंगी। अल्लाह हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल